नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, अगर सात प्रोटॉन है तो सात न्यूट्रॉन रहेंगे रिमेनिंग, है ना। सो दे हैव सेम एन वैल्यूज, हेंस दे आर आइसोटोन्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोडियम 23 एंड मैग्नीशियम 24। सी उनमें मास सेम नहीं है, उनमें जेड वैल्यूज सेम नहीं है। मीन्स वाट इज़ द सेम इन देम, एन वैल्यू विल बी द सेम। दोनों के अंदर आपको एन वैल्यू मिलेंगी 12। ओके, दोनों के अंदर 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, सो दे आर आइसोटोन्स। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड क्लास ऑफ न्यूक्लाइड्स, आइसोबार्स। आइसो मीन्स सेम एंड बार्स मीन्स ए मास, देयर मासेस बार्स। सो दे हैव सेम मास नंबर, आइसोबार्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, दे हैव सेम मास नंबर, दे आर आइसोबार्स। हाइड्रोजन 3 मीन्स ट्रिटियम एंड हेलियम 3, दे हैव सेम मास नंबर्स, सेम ए वैल्यूज। ओके, दे आर आइसोबार्स, एज सिंपल एज इट कैन बी। नाउ देर आर फोर्थ कैटेगरी ऑफ न्यूक्लाइड्स, आइसोमर्स। आइसोमर्स मीन्स दे हैव ऑल सेम, सेम जेड वैल्यू, सेम एन वैल्यूज एंड सेम ए वैल्यूज। ओके, वेरी फनी, लाइक ब्रोमीन 80, ये भी ब्रोमीन 80 है इसका, और ये भी ब्रोमीन 80 है, दोनों का मास नंबर 80 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 35 35। सो ऑफकोर्स दोनों का न्यूट्रॉन भी सेम होगा, 45 45, है ना। जब मास सेम है, प्रोटॉन सेम है, तो न्यूट्रॉन भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, बिकॉज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। मीन्स आइसोमर्स हैव ऑल सेम जेड एन एंड ए वैल्यू, सो वॉट इज डिफरेंट इन देम। सो दे आर डिफर इन एनर्जी स्टेट्स, वन न्यूक्लियस इज एट हायर एनर्जी लेवल एंड अनदर इट्स आइसोमर इज एट लोअर एनर्जी लेवल। ओके, एंड द न्यूक्लाइड विच इज इन हायर एनर्जी लेवल इन एक्साइटेड स्टेट वी कॉल इट ए मेटास्टेबल न्यूक्लाइड। ओके, द आइसोमर विच इज एट हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज मेटास्टेबल न्यूक्लाइड, एंड the isomer which is at lower energy level at ground state is called as stable nuclide. Okay, another example of isomers is cobalt 60, cobalt 60 and cobalt 60 excited state. देखो, जो excited state में उसको either asterisk बताया जाता है उसके head पर, जैसे cobalt के ऊपर मैंने star बनाया हो, देखो, है ना, और you can write a small m एज अ सफिक्स टू इट्स मास नंबर। जैसे ब्रोमीन में 80 m लिखा हो मैंने, है ना, 80 के आगे स्मॉल m लिखा है, दिस स्मॉल m इज इंडिकेटिंग दैट इट इज़ मेटास्टेबल न्यूक्लाइड। ओके, जो मेटास्टेबल होता है, हायर एनर्जी स्टेट को होता है, तो उसके ऊपर ये लिखा जाता है, ओके, m लिखा जाता है मास नंबर के आगे। नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ their origin. On the basis of origin, there are classification of nucleides on the basis of origin. There are only two classes of these nucleides on the basis of origin: naturally occurring nucleides and artificial nucleides. Okay, name itself indicating the meaning. Naturally occurring, all the elements which occurs in nature are called as naturally occurring nucleides, and generally, you know, periodic table contain 118 elements, so out of those up to uranium 92 are all occurs in nature and are naturally occurring nucleides. Many examples you can give among them. Artificial nucleides, they are also called as synthetic or man-made nucleides. So all the elements which are synthesized in laboratories are called as artificial nucleides. Okay, and generally all the elements beyond uranium 92 are artificial, as they do not occur in nature. So one thing I want to mention here, question may be asked in MCQs, the elements which are followed by uranium 92 in the periodic table are called as transuranic elements. जितने भी elements uranium 92 के बाद आते हैं periodic table में, उन सबको transuranic elements कहा जाता है. Okay, so including these transuranic elements,
many other synthetic nucleides are there which are called as artificial nucleides, है ना. एग्जाम्पल नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम आई हैव गिवन हियर. नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्टेबिलिटी. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑल्सो देर आर ओनली टू क्लासेस ऑफ न्यूक्लाइड्स. वन इज स्टेबल न्यूक्लाइड्स, अनदर वन इज अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स. ओके, दो ही क्लासेस बनते हैं, एक तो स्टेबल रहेंगे या तो अनस्टेबल रहेंगे. तो टोटली यू नो दिस थिंग यू मस्ट नोट, देर आर अराउंड मोर देन 2000 न्यूक्लाइड्स नोन टिल डेट. Under the study of science, there are more than 2000 nucleides. So among those, only 274 nucleides are stable. Number of stable nucleides कितने हैं? सिर्फ 274. 274 nucleides are stable nucleides, and all other nucleides. You know, I have told you just there are more than 2000 nucleides known. Okay. More than 2000 nucleides under study. So among those only 274 nucleides are stable and all other nucleides are unstable. Okay, are unstable. And unstable nucleides are also called as radioactive nucleides, because unstable nucleides emits nuclear radiations or nuclear particles, while stable nucleides do not emit any nuclear radiation or nuclear particles. They are stable forever. While unstable nucleides are unstable, they are radioactive and are able to emit nuclear radiations or particles. You can also note here one point: all the elements beyond bismuth 83 or all the elements which have mass number equal to or greater than 210 are unstable. All the nucleides of the elements with mass number greater than or equal to 210, or you can say all the nucleides beyond bismuth 83 are unstable and emits nuclear radiations or particles. Okay, so these are the classifications on the basis of stability: stable nucleides, unstable nucleides. Then we have seen on the basis of origin, natural and man-made nucleides, and we have seen classification on the basis of Zn and A values, isotopes, isotones, isobars and isomers. Let us see the next slide, radioactive decay. The process by which a radioactive nucleide gets converted into stable nucleide, a process by which unstable nucleide gets converted into stable nucleides, in the process they emits nuclear radiations. Okay, this is important. A process by which radioactive nucleide emits nuclear radiations or nuclear particles is called as radioactivity. Radioactivity are of different types depending upon what radioactive nucleus emits. It has different types. First, see emission of beta minus, beta decay. Emission of beta minus particle agar ho raha hai kisi nucleus se, to usko beta decay kaha jayega. Or this is a type of radioactive decay in which beta minus particle is emitted. You know, beta minus particle is nothing but electron. Beta minus particle kya hota hai? Electron hota hai. So agar kisi nucleus, x nucleus se jiska dekho atomic number z hai aur mass number a hai, yahan pe dikhaya gaya example mein, agar ye beta particle emit kar raha hai तो उसका जो मास है ये नहीं बदलेगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता. ओके, तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल अगर इमिट हो रहा है तो ए वैल्यू चेंज नहीं होगी. जो वाई न्यूक्लियस जो बन रहा है प्रोडक्ट, उसमें ए वैल्यू सेम रहेंगी, ए का ए ही रहेंगे. लेकिन जेड, जेड में प्लस वन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है उसका एक से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज बाहर निकला है ना. तो उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जेड प्लस वन कर देना है हमको, है ना. इसके एग्जांपल हम देखेंगे. जैसे अगर समझ लो कि सोडियम, अगर सपोज सोडियम 23 अगर कोई बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है बीटा माइनस, तो हमको क्या करना है? सोडियम की जेड वैल्यू 11 है, उसमें प्लस वन करना है. तो 11 प्लस वन इज इक्वल टू 12. सोडियम 23 अगर बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है तो उससे मैग्नीशियम बन जाएगा, क्योंकि जेड प्लस वन हो जाएगा, 11 की जगह 12 हो जाएगा. जो प्रोडक्ट वाई जो बन रहा है यहाँ पे, तो ये मैग्नीशियम बन जाएगा अगर आप सोडियम से शुरू करेंगे तो, है ना. बिकॉज आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल जेड इज़ इंक्रीज्ड बाय वन,
A remains same. Okay. Similarly, if positron is emitted, है ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है. अब अगर पॉजिट्रॉन अगर इमिट होता है तो उसको भी मास नहीं रहेगा, तो ए सेम रहेगा लेकिन जेड में चेंज होगा. जब बीटा माइनस इमिट हो रहा है तो जेड प्लस वन किए थे हमने, अब बीटा प्लस इमिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जेड माइनस वन करेंगे. अगर सपोज़ आप यहाँ पे सोडियम से शुरू करते हैं, अगर ये पॉजिट्रॉन इमिट कर रहा है तो आपको इसका जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो जेड माइनस वन रहेगा, मीन्स नियॉन रहेगा, नियॉन टेन. सोडियम इसका एटॉमिक नंबर जेड वैल्यू 11 है, तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो नियॉन टेन रहेगा, बिकॉज जेड माइनस वन करना है आपको, है ना. सिमिलरली अल्फ़ा डीके अगर हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल इज़ नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियस जिसमें जेड वैल्यू 2 होती है और ए वैल्यू 4 होती है. तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर अल्फ़ा डीके अगर हो रहा है कोई न्यूक्लियस से तो उसका प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करना है, उसके अंदर आपको जेड माइनस 2 करना है और ए माइनस 4 करना है. उसका उसकी जेड वैल्यू 2 से कम करनी है और ए वैल्यू जो मास नंबर है वो 4 से कम करनी है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेडॉन लेते हो, रेडियम लेते हो, रेडियम 88, तो इसका अगर आपको अल्फ़ा पार्टिकल अगर इससे निकलता है तो उसकी जेड वैल्यू 2 से कम हो जाएंगी, मीन्स 86 हो जाएंगी और आपको रेडॉन मिलेगा, है ना. अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम 12, अगर वो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है तो जेड माइनस 2 होगा और उससे नियॉन मिल जाएगा आपको, है ना, जेड इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा. ओके, इसी तरह फोर्थ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो गामा डीके के नाम से जाना जाता, इसके अंदर क्या होता है, इमिशन ऑफ गामा रेज होता है ना. जो हम कह रहे हैं ना न्यूक्लियर रेडिएशंस, तो ये है ना. पार्टिकल तो हमने सीख लिए, बीटा माइनस, बीटा प्लस और अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स है जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स इमिट करते हैं. लेकिन समटाइम्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स ओनली इमिट्स ए न्यूक्लियर रेडिएशंस, मीन्स गामा रेज, और ये गामा रेज के इमिशन को बोलते हैं गामा डीके. ओके, इसके अंदर जनरली क्या होता है, जो अनस्टेबल न्यूक्लाइड होता है, जो हायर एनर्जी स्टेट को होता है, ये लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और सिर्फ गामा फोटॉन्स इमिट करता है ना. इसके अंदर कोई जेड वैल्यू चेंज नहीं होंगी, एन वैल्यू चेंज नहीं होंगी और ए वैल्यू भी चेंज नहीं होंगी. जैसे एग्जांपल हमने देखे थे कि मेटास्टेबल न्यूक्लाइड जो होता है हायर एनर्जी स्टेट को, ये जब ग्राउंड स्टेट को आता है तो एक्सेस एनर्जी जो इसके पास होती है वो एज अ गामा फोटॉन इमिट करता है ना. ब्रोमीन ATM का एग्जांपल देखे थे, ये अगर ब्रोमीन 80 को आएगा तो क्या इमिट करेगा, गामा रेज इमिट करेगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग carefully to my video. Subscribe to our channel JET Arts Science and Commerce College on YouTube. Thank you very much.